पशुपति पारस वोट भी दिया है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। 4 साल बाद सर अपने घर आए हैं, आज अपने मत का प्रयोग किए, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज से 70 वर्ष पहले इस जमीन, इस धरती पर हम लोगों का जन्म हुआ। इस धरती को नमन करते हैं। और हम 3 भाई थे और हमारे पिताजी और हमारी माताजी कबीरपंथी थे, कबीरपंथ के अच्छे अनुयायी थे, और उन्होंने ही हम लोगों का स्कूली शिक्षा, पारिवारिक शिक्षा दिया। और हमारे पिताजी बहुत छोटे किसान थे, मात्र 5 एकड़ ज़मीन था, वो भी 3 भाई थे। उसी परिस्थिति में पढ़ाना लिखाना सब कुछ हुआ इस गांव। उस समय में इस गांव में न बिजली थी, न रोड था, न पुल था, न स्कूल था, कुछ नहीं था। हम लोग यहाँ से 2 नदी पार करके दरभंगा ज़िला जगमोरा बसते हैं, वहाँ हम लोग पढ़ने जाते थे और बोरा लेके जाते थे, चट्टी लेके जाते थे और खल्ली से दीवार पर लिखते थे। वो दिन भी हम लोग देखे हैं। और ये मिट्टी को मैं नमन करता हूँ। और हम 3 भाई थे, 3 भाई में आपने देखा होगा कि मैं अकेले बचा हुआ हूँ। हमारे 2 भाई, बड़े भाई और छोटे भाई, स्वर्गवास हो, उनकी मृत्यु हो गई। और एक सबसे बड़ी विशेषता इस गांव का है, इस मिट्टी का है, कि छोटे से गांव में, पंचायत भी नहीं के छोटा सा गांव है, मोहल्ला है, और एक परिवार से 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ और 1 फैमिली हुआ। और देश में बहुत से लोगों का हुआ है, तो कोई चचेरा है, कोई बमेरा है, कोई फुफेरा है, कोई दूसरे जात का है, कोई तीसरे जात का। हमारे परिवार में 3 भाई हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, उसमें 2 भाई हम लोग भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हुए, और 2 भाई का लड़का, बड़ा भाई का और छोटा भाई का लड़का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ। तो ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नाम दर्ज होने की बात है। और मुझको बहुत इच्छा थी कि मैं 4.5 वर्ष से गाँव नहीं आया था, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब चुनाव होगा इस बहाने में अपने पैतृक गांव में जाऊंगा और अपने मत का प्रयोग करूंगा। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में देखिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र अपने देश में, हिंदुस्तान में है। और इस देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश को मिला, जो जिसको आप विकास पुरुष कह सकते हैं, कि चाहे वो छोटी से छोटी जातियाँ हो, बड़ी से बड़ी जातियाँ हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, सबके हित की बात वह करने वाला व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। और देश की आवाज़ है, 70 से 75% आबादी से देश में चाहता है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण लें। और मुझको पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा भी, जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे और 400 से पार सीट निश्चित रूप से देश को मिलेगा और बिहार को 40 से 40 सीट मिलेगा। लेकिन परस जी, सवाल ये है कि आप गार्जियन के तौर पर नजर आए, क्योंकि जो बड़े भाई थे और छोटे भाई दोनों का देहांत हो गया, एक समय के बाद एक पार्टी टूट गई और आपके जो भतीजे हैं उनको इस बार 5 सीट दे दी गई, क्या एक नाराजगी है क्या? देखिए, सीट लेना और देना उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जो मैं कर दिया हूँ, जो पासवान जी कर दिए हैं, दूसरे लोगों को उसके लिए सोचना पड़ेगा। हम लोग देखिए जमीन से आए हैं, गर्मी धरती से पैदा लिए हैं, सोना का चम्मच लेकर पैदा नहीं लिए हैं। और राजनीति में पक्ष विपक्ष भी होता है, राजनीति में बुरा से बुरा दिन भी आता है। पासवान जी देश के उतने बड़े नेता थे, 2nd अम्बेडकर माने जाते थे, वो भी दो बार चुनाव हारे हाजीपुर से। हाजीपुर को उन्होंने काफ़ी विकास किया था, फिर भी हाजीपुर से 2 बार चुनाव हारे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के सबसे महान नेता माने जाते थे, आए हैं, देश के प्रधानमंत्री हुए, लेकिन वो उनको भी हार का नौबत कर देखना पड़ा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं, बड़ी मुश्किल से एक बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। तो राजनीति में जीत और हार चलते रहता है, लेकिन संघर्ष हम लोगों का जारी रहता है कि गरीब, शोषित, पिछड़ा, ते पिछड़ा, इवन के अकलियत के जो हमारे साथी हैं, उसके दुख में, सुख में आप आए होंगे मेरे गांव में, तो आप देखे होंगे
कि काफ़ी लोग प्रसन्न हैं मुझको देख करके कि जमीन इस धरती का हम लाल हैं और इस धरती के लाल के नाते अपनापन बहुत है हमसे, बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, 100 वर्ष के लोग भी हैं। मैंने उनको उनसे आशीर्वाद लिया, परिचय के प्रणाम किया, उन्होंने भी मुझको आशीर्वाद दिया। तो ये एक साधारण हम लोग के मिथिलांचल में एक कल्चर है ना, मिथिलांचल, ये मिथिलांचल में हम लोग का घर पड़ता है, मिथिला की धरती है। तो मिथिला की धरती का मैं बहुत अच्छा नेचर होता है और यहाँ जो लोग पैदा लिए हैं सभी लोग मृदुभाषी होते हैं और अच्छे नेचर के लोग होते हैं और इसी के चलते इस इलाके का विकास हुआ। पर जी एक सवाल, आखिरी सवाल है जी, जी कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल है कि एक नाराज़गी नज़र आई आपके जो भतीजे हैं चिराग पासवान, उन्होंने कहा कि नामांकन में चाचा ने फ़ोन तक नहीं उठाया, आए भी नहीं। मेरे चाचा नित्यानंद राय हैं पारस। ठीक है, उनके चाचा नित्यानंद राय जी हैं, अच्छी बात है। आपने अभी देखा होगा कि पासवान जी का जो मूर्ति लगा हुआ है उस मूर्ति में जो लिखा हुआ है आप जाके देख लीजिए, उसको देख लीजिए कि उस मूर्ति में जो नाम लिखा हुआ है उसमें हमारे परिवार के किसी भी सदस्य का नाम नहीं है। उसमें पांडे जी है, चौबे जी है, छबे जी है, मेहता जी है, यादव जी हैं, इस फैमिली में से किसी का नाम नहीं है। अब इसी से आप सोच सकते हैं कि जो मूर्ति का जो बैठाया गया 12 बजे रात में बैठा के चले गए और परिवार के किसी भी सदस्य का नाम उसमें नहीं, इसी के चलते मैं ये बनाया हूँ स्मारक। और बड़े साहब की मूर्ति, मैंने पासवान जी की मूर्ति और रामचंद्र पासवान जी की मूर्ति हम चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद हम स्थापित करेंगे। आप देखिए, परिवार चलाना और पार्टी चलाना बहुत कठिन चीज़ है। जब वहाँ पासवान जी की मूर्ति लगी तो यदि वो पारिवारिक व्यक्ति होता वो लड़का, तो रामचंद्र पासवान जी का भी मूर्ति लगा था। फादर और चाचा में कोई फर्क नहीं है। मैं मूर्ति लगाया अपने पिताजी का, माताजी का, तो बगल में देखे हुए कि हमें अपने चाचा और चाची जी का भी मूर्ति लगाया। आज से 30 वर्ष पहले हम उस स्मारक को बनाए, मैं खुद बनाया हूँ, धूप में रह करके मैं बनाया हूँ। और फिर दोबारा मैं इसलिए बनाया कि उसमें रामचंद्र पासवान जी का मूर्ति नहीं था, इसलिए दोनों भाई की मूर्ति एक साथ बने। परिवार चलाना बहुत कठिन काम है और हम लोग इस मिट्टी से पैदा लिए हैं। और जिस व्यक्ति ने कहा कि मैं टेलीफोन किया हूँ, सफ़ेद गलत है। 6 बार बोले हैं कि फ़ोन किए हैं, गलत है, सफ़ेद गलत है, 100% गलत है। यदि वैसे उसकी मंशा रहती तो मैं ये 10 दिन से पटना में हूँ, उसी हो के रोज़ आता जाता है, वो एयरपोर्ट से आता जाता हुआ के कहता कि चाचा जी चलिए हमारे नामांकन में, है कि नहीं जी। आके कहता कि चाचा जी चलिए सिकवा शिकायत को भूल जाइए, हमारे नामांकन में चलिए, तू तो नहीं आया। और झूठ बोलता है कि हमसे टेलीफोन किए हैं, ये तो 100% दिग्भ्रमित करने वाली बात है ये। और हम लोग देखिए उस मिट्टी से बने हुए हैं, हमारे पिताजी कबीरपंथी से मैं पहले कहा, और उन्होंने जो शिक्षा दिया हमारे तीनों भाई को कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, गलत काम नहीं करो, उसके उनके शिक्षा का आज मैं ग्रहण किया हूँ तीनों भाई, और आज देखिए कि देश के सर्वोच्च सदन का मैं मेंबर रहा। इसलिए हम लोगों को झूठ फूस बोलने की आदत नहीं है। रामविलास जी हाजीपुर से सांसद रहे, आप भी सांसद रहे, इस बार भतीजे उतर गए हैं, आशीर्वाद देंगे? मैं तो कह दिया कि भाई 400 जब NDA गठबंधन में हम हैं तो हमारे लिए 400 सीट जिताना मेरा कर्तव्य है। हमारे पार्टी के लोग 400 सीट पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अब जो कोई नहीं चाहेगा कि हमको आप मदद कीजिए, चिराग पासवान ने बयान दे दिया कि हमको चाचा का आशीर्वाद नहीं चाहिए, आप लोगों ने सुना होगा जी। एक बार नहीं, 3-3 बार बयान आया चिराग पासवान जी का कि हमको चाचा का समर्थन नहीं चाहिए, चाचा का आशीर्वाद नहीं चाहिए। और जहाँ कहीं भी चिराग पासवान का उम्मीदवार है, उस कहीं भी किसी प्रोग्राम में हमारे जिला अध्यक्ष का या हम लोगों का कहीं पोस्टर में नाम नहीं है, कहीं फोटो नहीं है। चिराग पासवान कहीं आपको आगे नहीं कर रहे? हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ताली दोनों हाथ से बजता है, एक हाथ से ताली बजाई बजेगा, चुटकी बजेगा, ताली नहीं बजेगा। तो इसीलिए ताली जब दोनों हाथ से बजेगा तो दोनों को उसके संबंध में सोचना पड़ेगा। अब सिर्फ एक खाली कह दीजिए कि चाचा को मैंने टेलीफोन किया, चाचा नहीं आए, आप बेटा हैं, भतीजा हैं, आपको आकर के मेरे यहाँ आना चाहिए, निमंत्रण देना चाहिए। उसके बाद यदि मैं नहीं जाता तब हमारी गलती थी।
एक सवाल है आखिरी, दामाद भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान के जो दामाद हैं वो भी जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं, वो उन्होंने भी यही बात कही कि चाचा जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, साथ नहीं। उनसे पूछिए कि चाचा जी की हम आशीर्वाद लेने आए थे, आप उनसे पूछिए अरुण भारती से कि आप जमुई से चुनाव लड़ रहे हो, पासवान जी के दामाद हो, तो तुमने चाचा जी से आशीर्वाद मांगने आया, चाहे टेलीफोनिक हो या फिजिकली हो, तुमने आशीर्वाद दिया? आशीर्वाद मांगने आता तो मैं निश्चित रूप से उसको आशीर्वाद देता, और कभी निमंत्रण नहीं दिया मुझको, नामांकन में निमंत्रण नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ उसमें निमंत्रण नहीं दिया, और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स गए वहाँ, राजनाथ सिंह जी भी गए, लेकिन हम लोगों को निमंत्रण कभी नहीं दिया। बहुत शुक्रिया। देखिए ये बड़ी जानकारी जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दी और कहा कि जो आरोप चिराग पासवान लगा रहे हैं कि उन्होंने फ़ोन किया था, एक भी फ़ोन आज तक चिराग पासवान ने नहीं किया।